दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ा ही मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं श्वसन संस्थान के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और जिनके फेफड़ों में मलगम जमा है, निकल नहीं पा रहा है, मलगम निकालने के लिए ये नुस्खा बड़ा ही लाजवाब है। जिनके फेफड़ों में मलगम जमा है और खांसी है, मुंह से रेशा आ रहा है, सांस चढ़ता है, मलगम की वजह से दमे से की शिकायत हो रही है, सांस फूलता है, इसमें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम एक नुस्खा लेकर आए हैं जो बड़ा ही रामबाण नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है। इसमें आपको क्या लेना है, फिलफिल दराज आपको लेनी है 5 तोला। साफ़ सुथरी लाए पंसारी से, पुरानी ना लाए, जो बीज रही हो वो भी ना ले, बिल्कुल साफ़ सुथरी फिलफिल दराज 5 तोला लें। और साथ में ले फिलफिल सिया, ये लेनी है आपको 2 तोला। दोनों का बिल्कुल सफ़ूब बनाए, बिल्कुल बारीक परछन पाउडर बनाए और इसमें इतना शहद डाले कि वह माजून की सखल इख्तियार कर ले। जब वह माजून बन जाए तो इसे किसी कांच की शीशी में या प्लास्टिक के शीशी में, अच्छा बर्तन साफ सुथरा लेकर उसमें आप महफूज कर ले, रख ले। और जिनको मलगम बनता है, फेफड़ों में मलगम जमा है, निकल नहीं रहा है, सांस चढ़ता है, खांसी है, दम्मे की शिकायत बन रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए ये माजून है। अब इसको लेने का तरीका क्या है, 1 छोटा चम्मच आधा, यानी कि 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम तक आप इसको सुबह शाम गुनगुने दूध से लें, गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। तो कुछ दिन लेने से आपके फेफड़ों में जो मलगम फंसा है, जमा है, वह सब निकल जाएगा, खांसी में आराम हो जाएगा और जो मलगम जमने की वजह से आपका सांस फूल रहा है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिन खाते रहें और फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये बड़ा ही मजर्रब नुस्खा है, ये हकीमों के सीने का राज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बनाइए नुस्खा, अगर नुस्खा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें। हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर हकीम, मैं हकीम जाकिर हुसैन। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर कराएं, अपने दोस्तों से भी। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सलाम, आदाब, नमस्कार।